जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब लोग को आज दिल से ढेर सारा आशीर्वाद। हमें भी जिन शिक्षकों ने पढ़ाया हाथ जोड़ के उन शिक्षकों को आज के दिन नमन करते हैं। सुबह से पूरा क्लास का शेड्यूल इतना ज़्यादा हो गया कि थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया। यहाँ पर देखिए, ये शिक्षक दिवस जो है हमें विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वो आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्म लिए थे। वो प्रारंभिक शिक्षा किए, फिर स्कॉलरशिप के पढ़ाई से आगे बढ़े और फिर बाहर जाके कई सारे डिग्रियां हासिल किए और विदेशों में जाकर पढ़ाए। ये अपने काबिलियत के दम पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के कुलपति नियुक्त हुए। इसके बाद इनकी और भी योग्यताओं को देखते हुए इन्हें भारत का राजदूत बनाकर उस समय सोवियत संघ भेजा गया। उनके इन गुणों को और आगे बढ़ाते उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो वाइस प्रेसिडेंट में भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे हमारे राधाकृष्णन जी। फिर हमारे दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव में भी इन्हें स्थान दिया गया। तो ये भारत में आप देखिएगा शिक्षा के दम पर जो भी बड़े मुकाम हासिल करने थे वो सारे मुकामों को इन्होंने हासिल किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के कोई राजा बनता, ऐसे गधों से दूर रहना चाहिए। यहां पर पढ़ लिख के राजा बनने का यहां पर तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत एक विश्व गुरु के तौर पर जाना जाता था। हमारे यहां एक से एक शिक्षक आए लोग जो शिक्षा दिए लोग। देखिए शिक्षक एक दीपक के समान हो जाता है जो खुद जल के दूसरों को रोशनी करता है। शिक्षक का काम होता है दूसरों को मार्गदर्शित देना। वो अपने शिक्षक और सड़क खुद अपने जगह पे रहते हैं, दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। शिक्षक एक ऐसा चीज होता है जो हारना पसंद करता है अपने विद्यार्थियों से। एक बार मेरे साथ हुआ, एक मेरा स्टूडेंट था, बहुत शरारती बहुत ज्यादा था। उसका सिलेक्शन हो गया और उसका शौक था कि उसको मतलब अधिकारी बना, तो DSP हो गया था। तो एक बार बड़ा जिद किया कि सर ऑफिस में छुट्टी का समय आइए ना कभी, हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ लोग भी मिलना चाहते हैं, प्लीज बहुत रिक्वेस्ट किया। तो हम उसको गए, बताए नहीं कि हम इतना बोले थे आ जाएंगे लेकिन टाइम नहीं बताए। वहां गए तो उसका सिक्योरिटी गार्ड हमको रोक दिया। हम तो मास्क लगाए थे, कोरोना चल रहा था यहाँ पे, कहा कि रुकिए अभी यहाँ पे सर बिजी है। हमको बड़ा खुशी हुआ, हम चुपचाप बताए नहीं यहाँ पे, कहा कि सर मीटिंग में है। हम क्या, अच्छा रुको। तो हमने उसको कॉल किया कि कहाँ हो, तो कह रहा है सर ऑफिस में, हमें बाहर खड़े। दौड़ा आया और उसको कहा कि तुम सर हमारे खान सर, तो कह रहा तो उसने भी पहचान लिया। हम कहे कि देखो बहुत अच्छा बात है, किसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। तो कहने का सेंस है कि इतना खुशी हुआ हमको कि हर माँ बाप और शिक्षक अपने अपने खुद विद्यार्थियों से हारना चाहते हैं। माँ बाप आपसे हारना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे जाए। हम खुद चाहते हैं कि बाबू आप सब लोगों से कहते हैं कि पढ़ लिख कर इतने आगे जाइए ना कि आपसे मिलने के लिए हमें आपके ऑफिस में पूछ के आना पड़े। उस दिन हमारे को लगेगा नहीं हम सफल हो गए, हम आपसे हारना चाहते हैं। जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का देश का सबका नाम रोशन कीजिए। हम एक सोने की चिड़िया कहलाते थे एजुकेशन के दम पर। लोग चाइना से पढ़ने आते थे, आज चाइना कितना डेवलप हो गया। हमारे यहाँ ह्वेनसांग फाहियान दुनिया भर के चाइनीज सब पढ़ने आया, विदेशी लुटेरे आए थे हमारे यहाँ लूटने के लिए। इसका मतलब हमारे पास कुछ था। ऐसे कोई श्रीलंका में डकैती करने जाएगा, सोचो है ये नहीं है वहां पे, जो बताता है कि हमारे यहाँ कुछ था तो लूट के ले गए। हमें वापस इस चीज को भरना है। आज के समय शिक्षा से हम इसे भर सकते हैं। हमारी सबसे पहली जो टीचर होती है वो हमारी माँ होती है। हालांकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, टूटा दिल, खाली जेब, भूखा पेट, ये सब भी बहुत बड़े टीचर होते हैं। ये सब जो जीवन में लेसन देंगे सुन वो कोई नहीं देता। हमारी पहली जो टीचर होती है हमारी माँ होती है। माँ देखिएगा बच्चे को अक्सर कमर पे रखती है और कमर पे लेके घूमती है। इससे क्या है कि वो बच्चे को तकलीफ देना नहीं चाहती। कमर पे बैठेगा लड़का तो उसको आराम होगा और वो वहीं तक देख सकता है जहां माँ देख सकती है, क्योंकि कमर पे बैठने के बाद लगभग दोनों की निगाहें सेम होती है। तो माँ सोचती है बेटे को आराम रहे। पिता की सोच थोड़ी डिफरेंस होती है। पिता होगा खुश होगा तो बच्चे को कंधे पे बैठाएगा। हाँ, पिता को पता है कि कंधे पे तकलीफ होगी, उसको बैठने में उतना आराम नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी नजरें पिता की नजर से भी ज्यादा दूर तक जाएगी। तो पिता चाहता है कि जहां तक वो पहुंच पाया उसका बेटा उससे भी आगे जाए। तो माँ बाप के प्यार में थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन अगर वही शिक्षक को देखिएगा, शिक्षक कभी आपको कंधे या गोद पे नहीं बैठाने वाला। वो जब भी बैठाएगा तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा, क्योंकि शिक्षक को पता है कि आज नहीं तो कल आपको इन उंगलियां, इन गोद, इन कंधों को छोड़कर आपको अपने पैर पे ही खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पहले दिन से ही टीचर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा और वो सिखाएगा कि दुनिया का मोहताज मत बनिए। आपको आप जाएंगे स्कूल में, छोटे बच्चे प्रेयर में लाइन लगाया जाएगा, टिफिन टाइम में उसको देखेगा डिसिप्लिन में है या नहीं है हर एक टीचर का। तो बहुत सारे बच्चों को बचपन में हम लोग को भी टीचर डांट देते तो समझ बुरा लगता था, लेकिन अब समझ में आता है कि उन्हीं डांट जो डांटे, घर वालों ने भी डांटा, जो भी हम लोग को साथ पिटाई हुआ, आज उसी का नतीजा है कि लोग हम लोग पढ़ भी लिए लोग। वरना पहले तो आदमी पढ़ाई शौक से डर से करता था वहां पर। तो टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, उनको भी समझना चाहिए। आज दुनिया बहुत आगे जा रही है, आजकल के लड़के एडवांस हो गए हैं, तो टीचर को भी अब एडवांस बनना पड़ेगा वहां पर। उनके साथ टीचर को अब एक
फ्रेंड की तरह भी पढ़ाना पड़ेगा, जहां पीटना है तो वहां एनिमी की तरह पीटना भी पड़ेगा। तो दोनों बैलेंस करना जरूरी है। हमारे देश में शिक्षकों की कभी कोई कमी नहीं है, चाहे वो हमारे आचार्य चाणक्य हों, जिन्होंने एक इतने बड़े कुशासन के धनानंद को समाप्त करके एक साधारण व्यक्ति को रंग से राजा बना दिया वहां पर, हमारे द्रोणाचार्य रहे हो या स्वयं कृष्ण भगवान रहे हो, जिन्होंने गीता में अर्जुन को न जाने कितनी शिक्षाएं दी, वो युद्ध के मैदान में ही इतनी बड़ी शिक्षा दी है। तो हमारा देश जो है ऐसे ही नहीं विश्व गुरु कहलाता है, विश्व के जो भी बड़े बड़े गुरु हुए हैं वो यहां से ताल्लुक रखते थे, तो हम विश्व गुरु कहलाते थे। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस धरोहर को, इस जिम्मेदारी को संजो के रखें। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे और आगे ले जाएं, न कि हमें इसे धूमिल करें, क्योंकि इस धरोहर को, धरोहर हमें विरासत में मिली है, न कि हम लोगों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, हमारे पूर्वजों की विरासत है। हमें कोशिश करना चाहिए कि इसे आगे बढ़ाएं, एटलीस्ट अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसे स्टेबल रखें, न कि इसे धूमिल करें। अभी क्या है कि टीचिंग फील्ड में बहुत सारा चीज जो हो गया है, वाहियात चीजें आ गई हैं। कुछ टीचरों को देख रहे हैं, खास करके भाई हम क्या ही बताएं, कुछ फीमेल टीचरों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाने आ रहे हैं तो अपने पर्सनल लाइफ को अपने घर पे रखिए। टीचर की सोशल जिम्मेदारी भी होती है, वो एक स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। क्लास में आके उल्टा सीधा एक्टिविटी करिएगा, कई लोगों को देख रहे थे क्लासों में आके आंख मार रहा है, उल्टा सीधा कमेंट पढ़ना है। देखिए कमेंट उसका कमेंट रहा ना रहा ऐसे ही झूठे पढ़ देते हैं सब। तो ऐसे टीचर लोगों को भी कहते हैं ध्यान दिया कीजिए। हम ही लोग हैं भाई, किसी दिन बाल कटवाएंगे तो कभी ज्यादा काट देगा, तो पता है कि लड़का पूछने वाला है कि सर आज बाल ज्यादा काट दिया, तो क्या हम ये कमेंट पढ़ेंगे? इग्नोर करेंगे हम ये सब चीजों को। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको पढ़ेंगे, तो जान बुझ के ऐसा ऐसा कमेंट पढ़ेगी, सर मैडम आज गोर लग रही है, ससुर इतने फिल्टर और मेकअप हटा के देखो दलित दर लगेगी यहाँ पे, अपने से सोच लेना है। तो देखिए हम किसी से, हमारा कोई द्वेष नहीं है, बस हम इतना जानना कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश की विरासत है, उसे खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई उससे खिलवाड़ करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे देश की जो धरोहर है उसे बचा के रखिए। हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, इस धरोहर, इस संस्कृति को बचा के रखिए। यह भी आपकी एक देशभक्ति है, इसे बचा के रखना। जिसको बहुत ज्यादा शौक है इंग्लैंड चल जाए ना, वहां जैसे मन वैसे पढ़ाना है पढ़ाओ, जो मन पहन के पढ़ाना है पढ़ाओ यहाँ पर, लेकिन हमारे देश की जो धरोहर, जो संस्कृति है, उसे बचा के रखिए। हम प्रेम से समझा रहे हैं, वरना फिर लड़का आप लोग को उल्टा सीधा सुनाएगा तो आप कहिएगा लड़का बोलते हैं सब। इस टीचर की अंदर ये समझ होनी चाहिए कि हमें किस तरह के भाषा का प्रयोग करना है, या फिर किस तरह के कमेंट्स को पढ़ना है, कैसे कपड़े पहनने, अब ये सब समझाने की चीजें हमारे यहाँ। टीचर की पहचान उसके पढ़ाने से होनी चाहिए। जैसे हमारे संदीप महेश्वरी सर, इनकी पहचान क्या है, मोटिवेशनल वीडियोस देते हैं, इनके कंटेंट जो होते हैं मोटिवेशन से रहते हैं। ये हमारे विवेक बिंद्रा साहब बिजनेस कोच हैं, बिजनेस के नए नए आइडियाज देते हैं यहाँ पर। एपीजे अब्दुल कलाम क्यों जाने जाते हैं, मिसाइल मैन के लिए। खान सर के बारे में अगर कुछ क्यों जाने जाते हैं, तो जटिल चीजों को समझा देते हैं, ना कि नाचने गाने के लिए यहाँ पर। तो कई ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाने से ज्यादा नाचने गाने के लिए फेमस है। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निमती करते हैं कि आप ध्यान दीजिए, समाज का एक आप रोल मॉडल हैं, आपको समाज के हिसाब से चलना पड़े। देश ने इतना बड़ा धरोहर दिया है, भारत में जितना शिक्षकों का कदर होता है ना, उतना विश्व में कहीं नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, चलिएगा अमेरिका में, एक के रेस्टोरेंट में टीचर चाय पी रहा है, वहीं कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आके चाय पी रहा है। हमारे यहाँ आज भी संस्कार जितना टीचरों को दिया जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु गोविंदो पाकरो काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ भगवान से बड़ा दर्जा दे रहा है, तो आप इसको समझिए। भगवान लोग को भी देखते हैं कैसे रहते हैं, तो इस चीज को प्लीज समझिए, हम ये क्यों कर रहे हैं। ये एक हमारी विरासत है, इसे बचा के रखना हम सब का सामूहिक जिम्मेदारी है। हर जगह जहाँ कुछ लोग रहते हैं, आपसी कुछ मतभेद हो जाते हैं, तो हम सारे लोगों से भी यही कहते हैं, आज का दिन शिक्षक दिवस है, स्टूडेंट से भी कहते हैं और टीचर लोगों से भी कहते हैं कि आपसी विवाद को आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। विवाद से विकास रुक जाता है, आपसी विवाद को सुलझा लेना चाहिए, ना कि तू तू मैं करके विवादों को बढ़ा देना चाहिए। हमारे पास तो कई हमारे मित्र हैं, टीचर हैं लोग वहाँ पे, कई बार ऐसा कहते हैं कि सर अपना बैचवा थोड़ा देर से दीजिएगा ना, हम थोड़ा सा बैच अनाउंस करके तो कुछ एडमिशन ले लेते, तो क्या हम उससे लड़ने जाएंगे? हम कहे ठीक है भाई, थोड़ा सा देर से ही दे देंगे। एक लड़का हमारे ऑफिस में आया, कह रहा है सर हम आपके पास फाउंडेशन किए, सारा कोर्स किए, एग्जाम में थोड़ा सा डिले हो गया तो हम एक जगह टेस्ट सीरीज पकड़ लिए। उनका कहना है कि लड़का हमारे यहां से पढ़ा था, हम बताइए सर हम जा रहे हैं अभी ये करने। हम उसको समझा रहे गधा कहीं का, अभी ये से तुम इतना गुस्सा क्यों करने लगा? तो स्टूडेंट सबको ये समझ में नहीं आता कि यार तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करने लगता है। कोई को भी गुस्सा हमेशा मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप से प्रारंभ होता है। कभी गुस्सा नहीं कीजिए, कभी किसी की बुराई नहीं कीजिए, अपने काम पर फोकस।